हाय फ्रेंड्स, तो आज हमारा 17वां दिन है 30 डेज ऑफ मंडाला चैलेंज का। और आज की वीडियो में भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कलरफुल मंडाला आर्ट बनाने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये 30 डेज मंडाला आर्ट चैलेंज में मैं रोज़ वीडियोज़ डाल रही हूँ और हम रोज़ अलग अलग टाइप के मंडालाज बना रहे हैं। तो अपना सारा मटीरियल ले लीजिए और मेरे साथ आइए शुरू करते हैं 17th डे ऑफ 30 डेज ऑफ मंडाला चैलेंज। तो इस मंडाला के लिए भी हमारे रेगुलर सप्लाईज ही यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पे मैंने एक आइवरी शीट यूज़ करी है जो ऑलमोस्ट स्क्वायर है, स्क्वायर भी नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता वैसे उससे, आप स्क्वायर भी ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास A4 साइज शीट है तो आप A4 साइज शीट भी ले सकते हैं। तो जैसे यूजुअली हम मंडाला का ग्रिड बनाते हैं तो उस तरीके से हम सबसे पहले ग्रिड बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके हम मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे इस मंडाला में बीच वाला जो सर्कल है उसे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और फिर उसके बाद हम चार लेयर्स उसमें ऐड करेंगे। तो ये डिज़ाइन थोड़ा इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और मेरे साथ आप ड्रॉ करिए, क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत ही कलरफुल और ब्लैक मंडाला दोनों का मिक्स होने वाला है। तो फिर हम प्रोट्रैक्टर की मदद से हर 10 डिग्री पे पॉइंट्स मार्क करके फिर रूलर से अपनी लाइंस बनाएंगे ताकि हमारा जो मंडाला का ग्रिड है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाए। तो इस वीडियो में मैं मंडाला ग्रिड के डिटेल ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो अगर आपको मंडाला ग्रिड के बारे में या फिर मंडाला आर्ट डिटेल में सीखना है तो आप मेरा बिगनर्स मंडाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वो एक 3-3.5 घंटे का डिजिटल आर्ट कोर्स है जो आप एनरोल कर सकते हैं और अपने हिसाब से कभी भी उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स को आप प्ले करके आप अपने हिसाब से सीख सकते हैं। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में मंडाला ग्रिड और मंडाला के हर एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस किया है उस कोर्स में। तो जैसे ही हमारा मंडाला का जो ग्रिड है वो तैयार हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि बीच वाला पार्ट जो है अभी के लिए उसको छोड़ देंगे और जो साइड के हमारे जो आउटर लेयर्स हैं उनमें हम एक ब्लैक पेन की मदद से बेसिक शेप्स बनाना चालू करेंगे। तो आप कोई भी बेसिक शेप्स यहाँ पे बना सकते हैं और कोई भी तरीके का ब्लैक पेन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फेबर कासल का ब्लैक जो फाइन लाइनर होता है उसका जो एस साइज़ होता है वो यूज़ कर रही हूँ। और इस वीडियो में जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया है उसका लिंक अमेज़ॉन का जो जेन्युइन लिंक होता है जहाँ से मैंने परचेज़ किया है उसका सब डिस्क्रिप्शन और सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। तो आप डायरेक्टली जाके उस अमेज़ॉन के लिंक से परचेज़ कर सकते हो अगर आपको करना है तो। अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी तरीके का ब्लैक पेन, स्केच पेन, मार्कर या ब्लैक बॉल पेन, जेल पेन, जो रेगुलर पेन होते हैं, आप वो भी यूज़ करके मंडाला आर्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक शेप्स बना रहे हैं लेयर बाय लेयर जैसे हम यूजुअली बनाते हैं।
जैसे ही मेरा जो बेसिक शेप है वो बन जाएगा, हम सिर्फ आउटर लेयर्स का, बीच वाले को नहीं छेड़ेंगे अभी, सिर्फ आउटर लेयर्स की जो पेंसिल लाइन्स है उन्हें बहुत ही आराम से इरेज कर देंगे। ये एक टाइम लैप्स वीडियो है तो इसलिए मेरा हाथ इतना तेज चल रहा है, तो आप अपना टाइम लें और बहुत ही आराम से इरेज करें सारी आउटसाइड आउटर लेयर्स की जो पेंसिल लाइन्स हैं उन्हें। और फिर उसके बाद अगर आपको मेरे डिज़ाइंस, मेरे मंडला वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और पिंटरेस्ट पे भी फॉलो करें। मैं वहाँ रेगुलरली बहुत ही अच्छा शॉर्ट कंटेंट डालती हूँ, जैसे कि रील्स, फ़ोटोज़, कैरोसेल वगैरह। तो अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या पिंटरेस्ट कोई भी ऐप्स यूज़ करते हैं तो मुझे वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो करें। और अगर आपको मेरे डिज़ाइंस वगैरह अच्छे लगते हैं और आपको इनसे कुछ सीखने को मिलता है, आप कुछ ड्रॉ करते हैं, तो आप अपने डिज़ाइंस का पिक्चर क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये सारे सोशल मीडिया के लिंक्स और सारे व्हाट्सएप और ईमेल वगैरह के लिंक्स वगैरह डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे डीएम करके अपने डिज़ाइंस वगैरह भेजेंगे कि आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा। तो मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड पिंटरेस्ट एज वेल। तो जैसे ही मेरे बेसिक शेप्स बन जाएंगे, मैं यहाँ पे ब्रश पेंस की मदद से यहाँ पे इनको मैं कलर कर रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं उसमें सबसे पहले हम यहाँ पे पेटल्स को जो है वो कलर इसमें फिल करेंगे, फिर उसके ऊपर हम ब्लैक फाइनलाइनर, ब्लैक पेन की मदद से हम पैटर्न्स बनाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ये बन के आएगा। तो यहाँ पे मैं ग्रीन, लाइट ब्लू और वायलेट के शेड्स यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी शेड्स यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि आप कलर्स और पैटर्न्स अपने मन से चूज़ करें, आपके जो भी फेवरेट कलर्स हैं आप वो चूज़ करें। अगर आपको कोई एक कलर पसंद है तो आप एक कलर भी बना सकते हैं। अगर आपको रेड, येलो, ब्राउन कोई भी कलर पसंद है तो आप वो कलर्स फिल करें। तो यहाँ पे मैं ब्रश पेंस की मदद से कलर फिल कर रही हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली ब्रश पेंस यूज़ करती हूँ कलर फिल करने के लिए, क्योंकि वो बहुत इजी रहता है और वो जो कलर के स्ट्रोक्स होते हैं ना वो भी नहीं आते। अगर आपके पास ब्रश पेंस नहीं है तो आप कोई भी तरीके के पोस्टर कलर्स, वाटर कलर्स, एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्केच पेन, मार्कर, फाइन लाइनर, जो भी बेसिकली कलर है ना आपके पास, आप कोई भी कलर यूज़ करके इन्हें कलर फिल कर सकते हैं।
पे जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने स्काई ब्लू काइंड ऑफ शेड से शुरू किया था, फिर थोड़ा सा डार्क ब्लू और फिर पर्पल और वायलेट, ये दो चार कलर्स मैंने यूज़ करे हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा कलरिंग हो जाएगा ना, हम अपनी मंडाला वर्कबुक लेंगे और उसके जो पैटर्न्स हैं उसमें से हम कोई भी चार ऐसे पैटर्न्स हम चूज़ करेंगे अपनी चार लेयर के लिए। तो ये जो मंडाला वर्कबुक है ना, ये मेरी ई बुक है जो मैंने खुद बनाई है और ये मेरी एटसी शॉप पे अवेलेबल है। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इस तरीके से उसको प्रिंट करके आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा पैटर्न बनाना है, रेफ़र कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसका लिंक, जो डाउनलोड लिंक है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप या तो उसको प्रिंट करके यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसको अपने डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट, आईपैड, लैपटॉप, डेस्कटॉप वगैरह पे यूज़ करके भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपको उसको प्रिंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसको जो डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चार अपने फेवरेट पैटर्न्स चूज़ कर लिए हैं लेयर्स में फिल करने के लिए, और अब मैं बस एक ब्लैक फाइनलर की मदद से ये पैटर्न्स जो हैं, लेयर्स जो हैं, इनमें पैटर्न्स फिल करूँगी। फिर उसके बाद हम बीच वाले जो एरिया है उसमें भी ब्लैक कलर का एक छोटा सा मंडाला, ज़्यादा बड़ा नहीं, वो भी बनाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे ज़्यादा बोलूँगी नहीं, आप इस प्रोसेस को एंजॉय करें और अपने मटेरियल लेके आप मेरे साथ ड्रॉ भी कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।